अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा तहसीन। आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। ताज़ा तरीन सूरतेहाल से आपको आगाह करते चलें। आलमी बैंक ने बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफे की मुखालफत कर दी। तफसीलात के मुताबिक आलमी बैंक के नायब सदर मार्टिन रेसर ने कहा है कि बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफे की जरूरत नहीं है, लेकिन बिजली के लाइन लॉसेस को कम किया जाए। उन्होंने मुकामी कर्जों को मोखर करने पर भी एतराज करते हुए कहा है कि मुकामी कर्जे मोखर कराने से बैंकिंग सेक्टर और सरमायाकारी मुतासर हो सकती है, इसलिए पाकिस्तान को मुकामी कर्जे मोखर कराने के अमल में मुहतात रहना होगा। नायब सदर आलमी बैंक कहना था कि इलेक्शन से कबल सियासी जमातों से माशी इस्लाहात पर बातचीत होनी चाहिए, माशी इस्लाहात का अमल जारी रहना चाहिए, माशी पॉलिसियों पर अमल दरामद जरूरी है। मार्टिन रेसर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को टैक्स टू GDP रेशो 2-3% तक बढ़ाना होगा। महज टैक्स वसूलियाँ करना काफी नहीं है, अखराजात और टैक्स इस्लाहात पर अमल करने की जरूरत है। जरिए शोबे को सहूलियात दिए बगैर टैक्स रेवेन्यू में इजाफा मुश्किल होगा। अलावा आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हुसैन ने कहा है कि आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास दिसंबर के आखिर में होगा। रवा माली साल में पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज दिया जाएगा। जी तो नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल जिससे हम आपको आगाह कर रहे थे। मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए गल्फ पाकिस्तान। इसी के साथ आयशा तहसीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।